नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी फार्मर्सी ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के जो थर्ड यूनिट्स है उसको कम्प्लीटली डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और नोट्स भी हमने दे दिए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 कार्बोनाइल कंपाउंड्स अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें हम देखेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मतलब होता क्या है, उसके जो टोटली एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि उसके नोमेनक्लेचर के बारे में एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप हमारे वेबसाइट pharmacygyan.com पर विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और अगर आप फार्मेसी रिलेटेड बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। यूनिट 4 में है कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, तो अब हम उसके कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब होता क्या है, तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कंपाउंड्स में जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब जैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो अल्डिहाइड मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप्स होता है, और कीटोन्स जिसमें एक कंपाउंड्स में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स होता है, यानी एक सी में साइड में दो तरफ से दो अल्काइल ग्रुप्स और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कीटोन। और अल्डिहाइड्स मतलब एक फंक्शनल ग्रुप CHO यानी CHO अल्डिहाइड ग्रुप्स। तो एक एग्जांपल्स जैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अल्डिहाइड में जो मिडिल में जो कार्बन्स होता है उसमें डबल बॉन्ड ऑफ ओ होता है, एंड इस साइड में एक एच और इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप्स, एंड कीटोन में दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑफ ओ ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बोनाइल ग्रुप्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होता है चाहे वो अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स हो, वो जो है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी जो केमिकल रिएक्ट होता है कंपाउंड्स में, तो जो अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स रहते हैं उसी में इसी जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज इफ़ द बोथ ऑफ द ग्रुप्स आर एंड आर डैश अटैच टू कार्बन आर सेम, आर एंड आर डैश मतलब यानी एक जो कार्बन है दोनों तरफ में जो आर आर डैश है यानी दो ही अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, तो आर मतलब अल्काइल ग्रुप्स, दे आर नोन एज सिंपल कीटोन्स, यानी जब दोनों तरफ में जो अल्काइल ग्रुप्स होता है अगर वो सेम होगा तो उसे हम सिंपल कीटोन्स कहते हैं, अगर डिफरेंट तरह के अल्काइल ग्रुप्स अगर ऐड होगा दोनों तरफ तो उसे हम मिक्स कीटोन कहते हैं, यानी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर दूसरे जब डिफरेंट ग्रुप्स होता है मिथाइल को छोड़कर, तो उस तरह के जो ग्रुप्स कीटोन्स के उसे हम मिक्स कीटोन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम के हिसाब से जो अल्डिहाइड्स में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉमन सिस्टम सफिक्स अल्डिहाइड इज एडेड। तो जब हम एक कंपाउंड्स में जब CHO फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं तो उसके सफिक्स में लास्ट में हम अल्डिहाइड यूज़ करते हैं, जैसे एसेटाल्डिहाइड, मिथाल्डिहाइड, एसेटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, तो उसी तरह हम सफिक्स में अल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो IUPAC सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जब एक कंपाउंड्स होता है तो कंपाउंड्स में जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, तो पहले हम उस लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कौन से चेन जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑफ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसी लॉन्ग चेन को हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट में जो कंपाउंड्स होता है उसमें चाहे वो अल्केन हो, अल्किन हो, अल्काइन हो, तो उसमें जो लास्ट में अल्केन में ए यानी, अल्किन में ई यानी, एंड अल्काइन में वाई यानी होता है सफिक्स में, तो उस ई को हम रिप्लेस करके वहाँ पर ए एल को रिप्लेस करते हैं, ए एल को उसके जगह पर रिप्लेस करते हैं, जैसे मीथेन का मेथनॉल, इथेन का इथेनॉल हम वैसे रखते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन बेरिंग द अल्डिहाइड ग्रुप इज गिवन नंबर वन, एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू
तो जो जिस एक कंपाउंड्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपाउंड से 3-मिथाइल ब्यूटानॉल, तो एक कंपाउंड से तो जिसमें हम जिस 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 पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो वहाँ से हम वन से स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपाउंड से तो जिस जो कि 3-मिथाइल ब्यूटानॉल है, तो यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिस फर्स्ट पोजीशन ही आल्डिहाइड है, यानी जहाँ आल्डिहाइड से ही हम फर्स्ट पोजीशन 1, 1, 2, 3 से, यानी 1, फिर 2, 3, 4, यानी फर्स्ट पोजीशन हम आल्डिहाइड को रखेंगे। तो कुछ ग्रुप्स है, जैसे कुछ नेम्स है अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड कॉमन नेम, तो HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एंड IUPAC में मेथनॉल कहते हैं, फिर CH3CHO जैसे एसिटाल्डिहाइड एंड इथेनॉल, एंड CH2CH2CHO प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एंड बेंजाल्डिहाइड, इसे बेंजीन कार्बोनिल कहते हैं, यानी एक बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप अटैच होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कीटोन्स के बारे में। तो कीटोन्स में जो नॉमिनिक्लेचर होते हैं, तो हम चाहे वो एक अल्काइल ग्रुप्स हो या फिर अराइल ग्रुप्स होता है कॉम्पाउंड्स, तो उसके नाम नाम के साथ ही हम कीटोन को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मिथाइल कीटोन, यानी जो एक मिथाइल ग्रुप्स ऐड है, तो मिथाइल के साथ हम यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप को ऐड करेंगे, तो मिथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, यानी मिथाइल इथाइल, पहले हम मिथेन को लेंगे फिर इथेन को लेंगे, क्योंकि दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, जिस इसमें चाहे वो अल्काइल हो या फिर अराइल हो, तो उसके लास्ट में हम कीटोन को ऐड करेंगे, तो मिथाइल इथाइल कीटोन। नेक्स्ट है मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि इस तरह मिथाइल है और इस तरह प्रोपाइल ग्रुप से, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो कीटोन में हमने क्या देखा, कीटोन में देखे कि जब एक फंक्शनल एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, चाहे वो अल्काइल हो या फिर अराइल हो, उसके लास्ट के लास्ट में हम कीटोन को ऐड करते हैं, क्योंकि उसके सफिक्स में। तो पहले हम क्या कर हमें IUPAC सिस्टम में क्या करना है, हमें करना है एक कार्बोनाइल ग्रुप जो ऐड होते हैं उसी जो जिस कंपाउंड्स में कार्बोनाइल, जिस चेन में कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है, उसे हमें सिलेक्टेड करना है, लॉन्गेस्ट कार्बोनाइल चेन को सिलेक्ट करना है, और उसके सफिक्स में हमें ऐड कर देना है कीटोन को। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे एसीटोन का प्रोपेनॉन, इसका हो गया है मिथाइल इथाइल कीटोन, जिसे हम बिटोनॉल भी कहते हैं, एंड जो लास्ट वन है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसे हम पेंटा 2-1 भी कहते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ही डबल बॉन्ड ऑफ ओ है, तो इसलिए हम पेंटा 2-1 कहते हैं, क्योंकि इसमें फाइव जो है फाइव पोजिशन फाइव कार्बोनल स्ट्रक्चर्स है। तो लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स के बारे में। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होता है, तो उसमें कितने सिंगल बॉन्ड होता है, कितने डब कितने पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने एंगल्स होते हैं। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स है, तो जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी जो है एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड होता है, इसी में ये जो मिडल में होता है वो सिग्मा बॉन्ड, और ये जो है एक पाई बॉन्ड होता है, यानी जो सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच होता है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स में। एंड आल्डिहाइड एंड कीटोन, द सी एटम ऑफ द कार्बन ग्रुप अटैच टू टू अदर सी बॉन्ड्स, सो इट्स इन्वॉल्व द एटम ऑफ 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो जब एक कार्बोनाइल ग्रुप्स में जब मिडिल में जो सी होता है कार्बन, तो कार्बन जो एक डबल बॉन्ड ओ से अटैच होता है, तो उसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप जो ऐड होता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो अगर दो सिग्मा बॉन्ड से दो अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होता है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो टोटल इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड्स होता है। और जो कार्बन्स होता है मिडिल जो कार्बन्स होता है, जो दूसरे सारे बॉन्ड जिसमें अटैच होता है, वो स्पेशली जो मिडिल का कार्बन है, वो कार्बन जो दूसरे बॉन्ड से अटैच होता है बॉन्डेड होता है, वो sp2 डाईहाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डेड होता है, यानी जो है वो sp2 जितने भी बॉन्ड बॉन्ड होता है
तो वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, sp2 हाइब्रिड बॉन्डेड होती है, और इसका जो बीच में जो एंगल्स होता है वो 120 डिग्री का होता है, एंड जो कार्बन्स हैं वो डबली बॉन्डेड होता है कार्बन से और ऑक्सीजन के साथ, वो डबली बॉन्डेड होता है। हमारे जो लास्ट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन एटम, सो ऑक्सीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ। तो जो कार्बन्स होते हैं वो डबली बॉन्डेड क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन सॉरी जो ऑक्सीजन होता है वो डबली बॉन्डेड क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन्स और ऑक्सीजन्स के, उसमें ऑक्सीजन का हाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड मॉलिकुलर वेट 16 एंड कार्बन का 6 एंड 12, यानी जो कार्बन एटम वो 6 होता है और उसका जो मॉलिकुलर वेट 12 होता है, तो उसी के हिसाब से जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए वो डबली बॉन्डेड को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो डबली बॉन्डेड को फॉर्म करता है। तो इस कारण से जो है कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है पोलर ग्रुप्स होता है, ऑक्सीजन जिसमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्जेस होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्जेस होता है, और जो कार्बन्स में जो एक पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म करता है, बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी डबल बॉन्डेड होता है, तो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो जो है एक पोलर ग्रुप्स की तरफ से इसमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज और कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड के जरिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।